कोरोना से जंग जीतने के लिए सरकार पूरा जोर लगा रही है। पूरे देश में टीका लगाने का काम चल रहा है। कर्मचारी युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। वहीं बिहार में वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया काबिले तारीफ है। बिहार का सारण जिला कुछ दिनों से सुर्खियों में है। जिला अधिकारी ने कुछ दिन पहले एक अजीबोगरीब फरमान जारी किया है। डीएम साहब ने कहा है जो कर्मचारी कोरोना वैक्सीन नहीं लगाएगा अगले आदेश तक सैलरी नहीं दी जाएगी। यह खबर ठंडी होती उससे पहले ही सारण से एक और वीडियो हैरान करने वाली सामने आई है। टीकाकरण केंद्र पर एक महिला नर्स युवक को टीका लगा रही है। इस दौरान वो सिरिंज को तैयार करती दिखती हैं, रुई भी तैयार करती हैं, लेकिन वैक्सीन नहीं लेती हैं। वैक्सीन लेना जल्दीबाजी में भूल जाती हैं। खाली सुई ही युवक के अंदर इंजेक्ट कर देती हैं। युवक भी खुशी खुशी घर चला जाता है। लेकिन उसे क्या मालूम कि उसके साथ खेला हो गया है। लेकिन शुक्रिया उसके दोस्त का जिसने कैमरे में कैद कर लिया है। जैसे जब हम वीडियो बना रहे थे तब हम उसको नहीं, मतलब वीडियो पे नहीं देख रहे थे जी, हम उसका रिएक्शन देख रहे थे कि उसका रिएक्शन कैसा होता है, मतलब क्या होता है जी। तो उस टाइम ध्यान नहीं दिए। जब शाम को हम लोग ऐसे ही चेक कर रहे थे ना स्टेटस की कौन क्या लगा है, वही स्टेटस पे देखे हम उसको, तो उसमें देखे कि बस वो ऐसे ही डिस्प्रिंज होता है, वो फाड़ के ऐसे ही लगा दी, उसमें वैक्सीन नहीं था। जहां AANM की कारगुजारी साफ साफ दिख रही है। इस वीडियो ने स्वास्थ्य कर्मियों की पोल खोल दी है। इनकी कार्यशैली सवालों के घेरे में है। स्वास्थ्य कर्मियों की ऐसी लापरवाही मानव जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। दरअसल मामला छपरा शहर के वार्ड नंबर 1 के उर्दू माध्यमिक स्कूल ब्रह्मपुर इमाम बाड़ा का है, जहाँ टीका केंद्र बनाया गया है, जिस पर 21 जून 2021 को कोविड वैक्सीन के नाम पर लोगों को खाली सिरिंज का टीका लगाने का लापरवाही भरा काम अंजाम दिया गया है। मामला तब सामने आया जब युवक ने वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। वैक्सीन लेने वाला लड़का हामिद हुसैन का पुत्र अजहर हुसैन है। मामला यही है, जब हम सुई ले रहे थे तो उसमें दवाई नहीं डाला गया, केवल फाड़ के ही दिला गया हमको सुई। आपको कैसे पता चला कि दवाई नहीं डाला गया उसमें? शाम को जब देखे लोग बढ़िया से उसको वीडियो को, तो वही पता चला कि नहीं दिला है सुई। वीडियो कौन बना रहा था? वीडियो मेरा दोस्त बना रहा था। फिर जब पता चला कि आपको वैक्सीन नहीं दिया गया है, आप किसी से कंप्लेन किए इसके बारे में? अभी तो कंप्लेन हुआ नहीं है, केवल FAB पे छूटा है। फेसबुक पे छोड़े हैं आप? तो उसके बाद किसी आंगनबाड़ी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर कहीं गए हैं, आंगनबाड़ी या किसी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र कंप्लेन करने की हमको वैक्सीन नहीं दिया गया है? जी नहीं, अभी नहीं गए हैं। नहीं गए हैं? दोबारा वैक्सीन लिए कि नहीं लिए? नहीं लिए अभी। क्यों? क्योंकि मेरा सर दर्द कर रहा था। कब से दर्द कर रहा था सर? जी रात को उठे तो सुबह में सर दर्द कर रहा था। जब से इंजेक्शन दिया गया तब से? जी। अभी तक कंप्लेन भी नहीं किए? जी नहीं। कहाँ घर हुआ आपका? जी यही ब्रह्मपुर। ब्रह्मपुर में कहाँ? ब्रह्मपुर में सुल्तानिया जामा मस्जिद के पास। वैक्सीन कहाँ दिया जा रहा था आपको? वैक्सीन उर्दू मध्य विद्यालय में। मध्यालय में। कब का मामला है ये? ये मामला तकरीबन यही एक बजे का मामला है। किस दिन का? 21 तारीख का। टीकाकरण के दौरान लापरवाही कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी टीकाकरण के दौरान लापरवाही का मामला सामने आया था, जब एक महिला ने सेंटर पर जाकर दो बार वैक्सीन ले ली थी। वैक्सीन लगाने का अनोखा अंदाज आपको कहीं और नहीं बल्कि भारतीय राज्यों में मिल जाएगा। कहीं कोरोना वैक्सीन के नाम पर कुत्ते का इंजेक्शन ठोक दिया जाता है, तो कहीं खाली सिरिंज ही इंजेक्ट कर दिया जाता है। प्रफुल्ल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दी कंटाप्ट।